CH ब्रैकेट क्लोज सी ओ एच। एक तो आप लोगों को लगा हुआ है सी एच ओ है, सी एच ओ है ही नहीं। दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है सी ओ एच राइट, यहाँ पे भी थ्राइस आएगा, ये नहीं लिखाया था क्या थ्राइस यहाँ पे, चलो अब लिख लो ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये कार्बन पर तीन ऐसे ऐसे ग्रुप्स जुड़े हैं राइट, कार्बन पर ये तीन ग्रुप्स जुड़ा है ऐसे ऐसे, तो जोड़ देते हैं सी एच सी एच थ्री, सॉरी यहाँ पे ट्वाइस आएगा, एक तो सी एच थ्री, इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट, वन टू थ्री फोर, ऐसे ऐसे कितने ग्रुप जुड़े हैं, तीन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं सी एच थ्री सी एच थ्री। अब करोगे इसे खुद, चाहे बाद में करना, अभी स्ट्रक्चर बना लो राइट, नाम खुद बताना। चलो उस क्वेश्चन में थोड़ी गलती होगी, जब नाम खुद से लिखना है इसका, उतार लिया ऐसा मैंने। अब हमने ये तो देख लिया था कि अगर हमें स्ट्रक्चर गिवन है, हम नाम कैसे लिखेंगे राइट, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना होता है बोलो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किसी का नाम लिखना है तो हमें साइड चेन, देन साइक्लो, किसी को याद नहीं है अगर ऑर्गेनिक, मैं पहले ही कह रही हूँ, एक दिन भी छुट्टी जिसकी ऑर्गेनिक, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि एक दिन ऑर्गेनिक साफ है तो ये मत समझना कि नेक्स्ट डे आपको याद हो जाएगी या नेक्स्ट डे का आपको समझ आ जाएगा। तो कोशिश करना ऑर्गेनिक की एक भी क्लास ना छूटे, और जितना हो सिर्फ उतना ही कह रही हूँ, रिवाइज फालतू करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना कराया जाए सिर्फ उतना रिवाइज कर लो, इतना फर्क, लेकिन एक दिन भी छूटा आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो कि आपकी ऑर्गेनिक खराब होगी। क्लियर है, साइड चेन देन साइक्लो देन कार्बन चेन देन बॉन्ड एंड देन फंक्शनल ग्रुप राइट। अगर हमें किसी का नाम लिखना होता है तो हम ये वाला इस तरह प्रायोरिटी वाइज लिखते राइट। और हमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप का केस भी देख लिया था कि कोई अगर हमारे पास एक कंपाउंड में दो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो ठीक, तो एक को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसको हमने बोल दिया था प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा हमारा एक्ट करेगा इस सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, या हम बोल सकते हैं साइड चेन, तो वो भी साइड चेन बन जाएगा एक तरह से, तो उसका नाम भी पहले आएगा। और वो सीरीज आप लोगों को लिखवा दी गई थी, वो कैसे याद करनी थी हमें, काशु एक एलिफेंट का भी स्क्वेयर है एंड नीचे ठीक है, ये चीज आपको लिखवा दी गई थी, इतना हमने दो लेक्चर्स में ऑर्गेनिक में अभी तक किया है। अब बात आती है कि अब हमें स्ट्रक्चर गिवन है, सॉरी नेम गिवन है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। अब हमें नेम गिवन होगा और स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे हमारे पास गिवन है टू हाइड्रोक्सी हेप्ट एन अल, टू हाइड्रोक्सी हेप्ट एन अल, ये हमें नाम गिवन है राइट। तो सबसे पहले जब हमें किसी का स्ट्रक्चर बनाना होता है, सबसे पहले रूल की बात करते हैं, तो हमें कार्बन चेन लिख देनी होती है, मीन्स यहां से हमें कार्बन का नंबर पता चल गया, तो कार्बन कितनी है, सेवन कार्बन है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हो गए सात कार्बन। उसके बाद क्या करो, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको लगाओ, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल मीन्स अल्डिहाइड मीन्स सी एच ओ, तो ये हो गया हमारा सी एच ओ राइट, मीन्स फर्स्ट कार्बन तो ये हो गई। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो जो उसके अंदर कार्बन है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ
सिक्स्थ एंड सेवन्थ, राइट। फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है या फिर साइड चेन है वो लगानी है हमें। क्या लगाना है फिर हमें? पहले तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लगाओ, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या फिर साइड चेन, या हम सिंपली साइड चेन भी लिख सकते हैं क्योंकि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी तो हमारा साइड चेन ही होता है। फिर हमें उसको लगाना है, कौन सा है? हाइड्रोक्सी मीन्स OH, कितने कार्बन पर लगा है? सेकंड पर, तो यहाँ आ जाएगा OH। अब सबसे लास्ट का क्या काम होता है? वैलेंसी सेटिस्फाई करना। क्या करेंगे हम लास्ट में? वैलेंसी को सेटिस्फाई मीन्स कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड बनाता है। जितने बॉन्ड बने हैं ठीक है, जितने बॉन्ड्स की कमी होती है उतनी हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर तो कंप्लीट है, यहाँ पर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, एक बॉन्ड की कमी है तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट कार्बन की बात करें, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, दो बॉन्ड की कमी है तो दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सेम, राइट, क्योंकि सब कार्बन के दो दो बॉन्ड बने हुए हैं। अब इस कार्बन की बात करते हैं, कितना बॉन्ड बना है? एक, बनाते कितनी है? चार। कितने बॉन्ड की कमी है? तीन बॉन्ड की कमी है तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन। सबसे पहले हमें कार्बन लिख लेनी है, उसके बाद अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, वो लगा देना है। उसके बाद हम साइड चेन बोलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अगर दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है वो भी तो साइड चेन की तरह एक्ट करेगा, तो हमें अपना साइड चेन लगाना है और सबसे लास्ट में वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना। कई बच्चे क्या करते हैं, हाइड्रोजन्स को लगाना भूल जाते हैं। बेशक आपने सारी चीज सही कर दियो, फंक्शनल ग्रुप लगा दियो, साइड चेन लगा दियो, लेकिन आप अगर प्रॉपर हाइड्रोजन नहीं लगाओगे, इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो गलत कंसिडर होगा, क्योंकि कंपाउंड तो या स्ट्रक्चर तो हमारा पूरा हुआ ही नहीं क्योंकि बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं, तो हमेशा बॉन्ड कंप्लीट करने हैं लास्ट, राइट। क्लियर है इतनी चीज? दूसरा मैं लिख रही हूँ, आप घर से कर लो। नेक्स्ट है पेंट टू इन वन ऑल, क्लियर है? अब देखो, जो हमने लास्ट टू लेक्चर्स किए थे उनमें भी हमने सिर्फ नॉर्मल कार्बन चेन की बात की है, या फिर हम बोले अल्काइल्स, अल्काइल या फिर सिंपली कार्बन चेन्स की बात हुई है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं आया, मीन्स रिंग कंपाउंड आया नहीं आया, लाइक बेंजीन, बेंजीन वगैरह का डिस्कस तो किया नहीं हमने, लेकिन अब करेंगे तो सबसे ज्यादा बेंजीन ही दिखने वाला है आपको, बेंजीन पर कभी कुछ अटैच होगा, कभी कुछ अटैच होगा। तो अब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें भी सेम इसी तरह है, जो एक दिन कराया जाएगा वो अगले दिन याद होना चाहिए, क्योंकि जैसे इसमें आप लोगों ने देख लिया होगा, जो फंक्शनल ग्रुप थे उनका कुछ नाम था पहले, लेकिन जब वो साइड चेन की तरह किए उनके नेम चेंज हो गए, उसमें भी अलग अलग रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग सेम ग्रुप्स के हमें डिफरेंट डिफरेंट नाम देखने पड़ेंगे। तो जो जिस दिन कराया जाएगा अगले दिन वो उतना रटा हुआ होना ही चाहिए, राइट, बाकी आप पर डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन डाल लो, राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा ये बताओ एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं क्या है? एग्जाम्पल नहीं पूछ रही मैं, रूल्स क्या होते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कम होगा या नहीं होगा, ये तो एक तरह से आप वो बता रहे हो, क्या बोलते हैं उसे, होमोलोगस सीरीज टाइप। इलेवेंथ में पढ़ के आते हो आप लोग, बेंजीन रिंग हो, हाँ कंजुगेशन हो, टू एन पाई प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स हो, और हमारा स्ट्रक्चर जो प्लानर हो उसको हम जो ये तीन रूल्स फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। बेंजीन अकेला ही सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे आपको जो एरोमेटिक होते हैं, राइट। तो अभी तो हमें बेंजीन ही पढ़ना है मेनली, तो बेंजीन की बात करें, तो क्वेश्चन इज नॉर्मल क्लेचर ऑफ
एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें हम रूल वन करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के नाम पे हम एग्जांपल में लेके चलेंगे बेंजीन हमारा। रूल वन इज कि जैसे ये रहा बेंजीन, राइट। अगर इस पर क्या लगाओ, जो भी हमने सब कुछ साइड चेन की फॉर्म में लिखा था, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई साइड चेन लगी हो, जैसे फ्लोरीन या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एक्सेट्रा, बहुत सारे लिखे थे ना, अगर वो सब किस पे लगे हो, बेंजीन पर लिखे हो, लगे हो, तो नाम कैसे लिखेंगे बताएगा कोई? सेम वही रूल चलेगा यहाँ पर, साइड चेन को हम पहले लिखेंगे और प्लस बेंजीन। एग्जांपल के तौर पे सीएल, तो नेम इज सीएल के लिए क्या यूज होगा, क्लोरो, और बेंजीन के लिए बेंजीन, नेम इज क्लोरो बेंजीन। इसी तरह अगर मैं बात करूं इसकी OC2H5 की, क्या नाम होता है OC2H5 का? दो कार्बन के लिए एक, और ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सी इथॉक्सी बेंजीन। लाइक अगर बेंजीन पर लगा हो NO2 तो नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा ना ये। चलो रूल वन तो इतना ही है, सिर्फ सिंपल वही रूल चला हमारा, सबसे पहले लिखेंगे साइड चेन, देन लास्ट में बेंजीन, तो ये हो जाएगा हमारा नाम कंपाउंड का। नेक्स्ट चीज लिख लिया, ये लिख लो, लिख लिया। रूल टू इज कि अगर बेंजीन पर कोई कार्बोनिल ग्रुप लगाओ, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या है, जिसके अंदर सीओ हो, एक्सेप्ट कीटो, मीन्स डायरेक्ट सीओ नहीं अटैच होना चाहिए, सीओ जिस जिस ग्रुप के अंदर है अगर वो अटैच हो, जैसे सीओ ओ एच की बात करते हैं उसमें भी सीओ आता है, सी एच ओ की बात करें उसमें भी सीओ आता है, राइट। इस तरह के ग्रुप्स हो जिनके अंदर सीओ होता है, डायरेक्ट हमारा सीओ नहीं अटैच होना चाहिए, तो हमारे ग्रुप का क्या नाम होगा, मीन्स हमारे कंपाउंड का क्या नाम होगा वो देख रहे हैं हमें। तो हमें नाम कैसे लिखना है, एक गाड़ी सुनी होगी मर्सिडीज बेंज, सुनी है ना, तो उसमें बेंज वर्ड आता है, तो वही बेंज यहाँ पर यूज होगा, बेंज लिखो और प्लस जो भी उस ग्रुप का नाम होगा, जैसे अगर बेंजीन पर लगा हो सी ओ ओ एच तो इसके लिए यूज होगा ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, क्लियर है। इसी तरह लगाओ सी ओ ओ माइनस, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ओएच, तो नेम हो जाएगा बेंजो एच, राइट। इसी तरह हम बात करते हैं सीएचओ की, सीएचओ के लिए क्या यूज करते हैं हम, अल, लेकिन यहाँ पर अल यूज नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, सीएचओ जब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा था, हम बोले तो साइड चेन की तरह कर रहा था, तो क्या नाम होता है उसका, फॉर्माइल, लेकिन अब यहाँ पर यूज होगा एल्डिहाइड। तो देख लो तीन नाम हो गए, अब कितने नाम हो गए, तीन, एक भी रूल मिसिंग होगा तो आपका सारा नोमेनक्लेचर गड़बड़ हो जाएगा। तो अब बेंजीन का, ओ सॉरी, एल्डिहाइड या सीएचओ को हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एल्डिहाइड, और नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, सुना होगा ना बहुत बार बेंजल्डिहाइड, तो सीएचओ के लिए एल्डिहाइड, सीओसीएल के लिए ऑयल क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड,
इसी तरह हमारा CONH2 होता है, कार्बोक्सामिडोइन व्हेन इट यूजेस सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप और साइड चेन, वैसे क्या नाम होता है, एमाइड, वही यहाँ पर यूज होगा, एमाइड बेंजामाइड हो जाएगा नाम। क्लियर है? इसी तरह अगर हम बात करें एनहाइड्राइड की, अब उस दिन मैं बताना भूल गई थी, आज बता देती हूँ एनहाइड्राइड कैसे बनता है। जैसे RCOH, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पर, इसीलिए हमने दो ले लिए। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एन मीन्स विदाउट, विदाउट किसके, वॉटर, तो इसमें से वॉटर निकाल देना है हमें, H2O, राइट, ये RCO, RCO कॉमन है, इसको हम लिख सकते हैं RCO का ट्वाइस, ये ऑक्सीजन एक फालतू है, इसको हम लिखेंगे बाहर। और अगर मुझे बनाना है तो ये मैं कैसे बनाऊंगी, ये बनता है इसका स्ट्रक्चर RCO, ये बनता है इस तरह, राइट। अब इसका नाम क्या होगा, किससे बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है या फिर ओइक एसिड से बना है, तो इसका नाम हो जाएगा ओइक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक एसिड यूज करते हैं ना, तो इसका नाम हो जाएगा ओइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर आएगा आर सी ओ का ट्वाइस ओ, इसका होगा नाम ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर है चीज? अब इसके लिए एक थोड़ा सा एक्सप्रेस सीएन, सीएन इज नॉट अ कार्बोनिल ग्रुप बट यहाँ पर वो है तो इसको याद कर लेंगे हम। सीएन के लिए अब तक क्या क्या नाम यूज किए हमने, साइनो नाइट्राइल, नाइट्राइल कब यूज होता है, जब नाइट्राइल यूज होता है, जब वो नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप होगा, जब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और जब साइनो होगा हमारा, जब वो सेकेंडरी चेन या सॉरी साइड चेन की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर नाम यूज होगा उसका ओ नाइट्राइल, क्या नाम यूज होगा, ओ नाइट्राइल, या फिर हम बोले तो नाम हो जाएगा अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, सी एन, तो नेम विल बी बेंजो नाइट्राइल, ये इनसे अलग है तो इसको मतलब इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि हमने इसको याद तो ऐसे किया है ना कि भाई कार्बोनिल ग्रुप एक्सेप्ट सीओ, लेकिन ये तो कार्बोनिल ग्रुप नहीं है हमारा सीएन, ये तो साइलाइड है, राइट, तो इसको अलग से याद कर लेना, और जब ये लगेगा तो नेम विल बी बेंजो नाइट्राइड। क्लियर है? इसी तरह जब बेंजीन पर क्या लगाओ, सी एच ओ, तो नेम विल बी बेंजल्डिहाइड, हो जाएगा। क्लियर है सभी को ना, बस दिन के दिन याद कर लेना भाई। चले आगे, लिख लिया है सभी ने। अब रूल थ्री में कुछ नहीं है, रूल थ्री में कॉमन नेम्स होते हैं, तो ये कॉमन नेम बहुत यूज होंगे, आपको यही नहीं पता होगा ये किसका कॉमन नेम है तो काम नहीं बनेगा। जैसे आपने देखा होगा बेंजीन के ऊपर OH लगा रहता है, तब क्या यूज होता है उसके लिए, फिनोल, फिनोल इज अ कॉमन नेम। जैसे एनिलीन सुना होगा, राइट, टाउलिन सुना होगा, ये सारे कॉमन नेम्स होते हैं, तो इनको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि बुक में ज्यादातर कॉमन नेम ही यूज होगा। जैसे हमेशा बेंजीन पर जब OH लगा होगा तो उसके लिए फिनोल यूज होगा, तो जब यही नहीं पता होगा फिनोल क्या होता है, तो उसकी रिएक्शन तो दूर की बात है। तो कुछ है हमारे कंपाउंड्स या जिनके हमें कॉमन नेम याद रखने हैं, OH इज नोन एज फिनोल, राइट। इसी तरह बेंजीन पर जब CH3 लगाओ तो टॉलिन, इसी तरह जब बेंजीन पर NH2 लगा रहता है तो क्या नाम होता है उसका,
एनलीन, क्या हुआ? अमीषा, अमीषा नाम है ना आपका? बीमार हो? है भाई, नींद आ रही है क्या? अगर ओ सी एच थ्री लगाओ तो क्या नाम होगा? वो तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, मिथॉक्सी बेंजीन, तो वैसे नाम यूज होता है एनिसोल। अब ये नाम इनके क्यों होते हैं? अब जैसे हमारे में तो दो दो नाम होते हैं, एक बाहर का एक घर का, है ना? ये सेम इनके लिए, राइट? आईयूपीएसी मीन्स ऑफिशियल नेम, और ये घर का लगा लो, इनके घर वालों बोलते होंगे इनको। रूल 3 तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अब रूल 4 की बात करते हैं। लिख लिया सभी ने? हाँ, वैसे पूछ लो। हाँ तो उसको बोल दो कि मेरे से मत पूछ भाई, मैं उनसे पूछ। 4 की। अब आज क्या दिन है? फ्राइडे है ना? अब 2 दिन आपका ऑफ रहेगा, तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर है जो आपका, उसका आपका काम रहेगा, उसको पूरा रिवाइज करके आओ। 2 दिन में आराम से हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट भी हो चुका है उसका। और जिसका जो डाउट होगा, नीचे परमिशन लेके लास्ट के एक आवर में या क्लास से पहले जो भी टाइमिंग बैठेगी उसके अकॉर्डिंग जिसकी जो प्रॉब्लम होगी अपनी डिस्कस कर लेना। चलो देख लेंगे, पढ़ के तो आना पहले। ठीक, अगर बेंजीन पर लगाओ ये सब ग्रुप्स, CH2, CH मीन्स कार्बन से अटैच दो, कोई सिंगल बॉन्ड से, कोई डबल बॉन्ड से, कोई ट्रिपल बॉन्ड से, या फिर हमने लास्ट रूल में लास्ट रूल में CO को छोड़ दिया था, राइट? अगर CO अटैच दो, या फिर क्या अटैच दो? OOC। इसमें डिफरेंस क्या है? बॉन्ड होगा विद O, नॉट विद C, राइट? या फिर अटैच दो NH CO, ये सारे ग्रुप्स अटैच दो। ठीक, तो जो हमारा बेंजीन होगा वो खुद साइड चेन की तरह एक्ट करेगा। अगर हमारे ये सारे ग्रुप्स अटैच हो तो जो हमारा बेंजीन है वो खुद एक साइड चेन की तरह एक्ट करेगा, और उसका नाम बेंजीन नहीं रहेगा, उसका नाम हो जाएगा अब फिनाइल। क्या नाम हो जाएगा? फिनाइल। अब जो हमारा बेंजीन है वो खुद साइड चेन की तरह एक्ट करेगा, और जो साइड चेन की तरह एक्ट कर रहा है कोई भी, उसका नाम बदल जा रहा है, तो नाम हो जाएगा इसका फिनाइल, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे हो गया, बेंजीन पर लगा दो CH2 CH2 COH, लगा देते हैं। अब नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कैसे एक्ट करेगा? साइड चेन की तरह, और साइड चेन में पहले लिखते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा 3 फिनाइल। क्या आएगा? 3 फिनाइल। उसके बाद कार्बन चेन की बात करेंगे, प्रोप एन वन ओ एक एसिड। क्लियर है ये चीज? क्या आएगा? 3 फिनाइल प्रोप एन वन ओ एक एसिड, राइट? इसी तरह अगर हम बात करें, फर्स्ट फ्राइडे किसको दूँ? CHO वाली कार्बन को, या NH2 के पास वाली कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी दूँ? क्योंकि हमने जो पॉलीफंक्शन वाली सीरीज की थी, कार्शियो एक एलिफेंट का भी क्लियर है,
उसमें एक चीज हमने मैंने याद करने को बोला था, कुछ और याद हो ना हो ये याद रख लेना कि COH को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और NH2 को हमेशा क्या मिलेगी, लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी, बाकी बीच की अकॉर्डिंगली याद कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, अब ये दोनों हमारा साइड चेन की तरह करेंगी। NH2 जब साइड चेन की तरह करता है तो नाम क्या होता है उसका, NH2। वैसे क्या नाम होता है NH2 का फंक्शन की तरह करे? हाँ अमाइड, तो भाई CONH2 का होता है अमीनो, राइट? तो इसके लिए यूज होगा अमीनो, इसके लिए फिनाइल। तो ए पहले आता है या पी? ए पहले आता है तो लिखेंगे हम 3। क्या लिखेंगे बोलो बोलो, पहली बार नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हो, प्लस वन में करके आते हैं, कराने की तो जरूरत भी नहीं थी, वैसे छोड़ देना चाहिए था, फिर पता चलता क्या होता। 3 अमीनो 3 फिनाइल ब्यूट एन 1 अल। क्लियर है चीज? ठीक, तो ये हो गया इसका। अब देखो कई बार बुक में ये भी लिखा मिलेगा आपको कि वो फिनाइल को पहले लिख देते हैं। फिनाइल अगर हम वैसे बात करें, साइड चेन जब दो हो जाती है तो अल्फाबेटिक में लिखा मिलता है, लेकिन बुक में कई बार फिनाइल को पहले भी लिख देते हैं, तो ये मत समझना वो गलत है, वो भी ठीक ही, राइट? फिनाइल बुक में कई बार आपको आगे लिखे भी लिखा भी मिलेगा, बट हमें जो रूल याद है हम उसी से चलते हैं। क्या चेंज करना, कंफ्यूज होने वाली बात ये, तो हम अपनी तरफ से अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे। हाँ बुक में मिले तो उसे गलत मत समझना, वो भी ठीक है, क्लियर? अब जैसे यहाँ पर अब एक ग्रुप लिखा है ये मैंने NHCO, इसकी तो हमने कहीं बात ही नहीं की। जैसे COOH, CO कीटो ग्रुप हो गया, ये सी मतलब ये तो कार्बन चेन की बात हो गई, क्या हमने NHCO की कहीं बात की? हमने बात की है CONH2 की, है ना? इसको क्या नाम होता है, एमाइड। अगर आ जाए आपके पास CONH जो कि आई गया है, राइट, या फिर CON भी आए, इन तीनों के लिए एमाइड ही यूज होगा। इन तीनों के लिए क्या यूज होगा, हमेशा एमाइड ही यूज होता है, राइट? चाहे वो CONH2 हो, चाहे वो CONH या फिर CON, इन तीनों के लिए क्या यूज होगा, एमाइड ग्रुप ही यूज होगा। क्लियर है चीज? क्लियर, चले आगे। एक दो एग्जांपल और करते हैं इसका, जैसे कि अगर आपके पास आ जाए अगर आपके पास बेंजीन पर यही लगाओ, बेंजीन NHCO CH3, इसका मतलब ये है। Yes. अगर आपके पास ये जुड़ा हो तो कैसे लिखेंगे? ये तो एक साइड चेन ही है, नंबरिंग हम कहां से शुरू करेंगे? 1, 2, ये साइड चेन है, मीन्स साइड में लगी हुई है कहीं, तो ये टर्मिनल कार्बन ही है हमारी। 1, 2, साइड चेन पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एन फिनाइल। एन फिनाइल क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो मेरा बेंजीन है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एन फिनाइल। दो कार्बन के लिए इट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फंक्शनल ग्रुप भी है इसके अंदर, राइट? तो वह उसके लिए आ जाएगा 1-amide। समझ में आया मैंने किस हिसाब से लिखा है, खोल कर डायग्राम बनाऊ अच्छे से, क्लियर है तो चलेगा, नहीं तो मैं इसको अच्छे से बनाती हूँ, एक बार दोबारा बनाओ। ये साइड से लिख लिया सब, नहीं ये बता दो, मैं इसको रब कर देती हूँ। इतना तो पता चल गया कि LHCO के लिए क्या यूज होगा, एमाइड, राइट?
एक तो मंडे आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर सॉरी सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन होना चाहिए, दूसरा आप सिर्फ मंडे के लिए रूल वन एंड रूल टू याद करोगे, रूल थ्री मत छेड़ो, नहीं रूल थ्री भी कर ही लो, कुछ इसमें बात करने दिक्कत। एरोमेटिक पहले वाले रूल वन और रूल टू याद हो गए हैं, वो प्राइमरी फंक्शन के ऊपर सेकेंडरी फंक्शन वाले सभी को याद है, अगर नहीं याद है जिसे तो वो पहले वो करेगा उसके बाद बेंजीन वाला छेड़ेगा, इकट्ठा मत लर्न करने की कोशिश करना, ना होंगे और कोशिश करना भी बेकार है, कंफ्यूज हो जाओगे। जिसको फर्स्ट टू डेज वाले याद है वो बेंजीन वाले याद करे, राइट, और जिसको फर्स्ट टू डेज वाले याद नहीं है वो मंडे वो फर्स्ट टू डेज वाले याद करके आएगा, फिर उसके बाद बेंजीन वाले करेगा, ठीक। अब इसकी बात कर रहे थे हम, ये कार्बन है CH3, राइट, और यहां पर ये है ये, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको टर्मिनल ही कार्बन महसूस हो, ऐसे बना लो, ये फंक्शनल ग्रुप है या नहीं COOH? फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल कार्बन भी है, तो हमने हमेशा देखा था फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है नंबरिंग में, तो 1 2, राइट। अब वो N क्यों आया, क्योंकि CONH2 यहाँ पर, या CONH की बात कर ले, पहले NH2 की बात करते हैं। CONH2 में क्या होता है, जो हमारा बॉन्ड होता है वो होता है कार्बन के साथ, CONH2 में बॉन्ड किसके साथ होता है, कार्बन के साथ। यहाँ पर नाइट्रोजन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। कार्बन कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 3 इसके ऑलरेडी बने ही हुए हैं, और जिस ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा जाके ये चौथा उसके साथ बना लेगा, क्लियर है चीज। अब हम बात कर रहे हैं COOH की, राइट, COOH अगर हम बनाए यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या सेटिस्फाइड है, और सॉरी नाइट्रोजन की, 2 बॉन्ड बने हुए, बनाता कितने है? ये बेंजीन यहाँ जुड़ा हुआ है, बन गए 3 बॉन्ड, ठीक, और ये यहाँ पर हमने लगा दिया CH3। इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि देखो अमाइड तो हम उसको भी बोल रहे हैं, उसको भी बोल रहे हैं, अमाइड तो हम उसको भी बोल रहे हैं और इसको भी बोल रहे हैं। अगर ये नाम गिवन और स्ट्रक्चर बनाना हो और अगर मैं यहाँ पर एन ना लगाऊं तो कैसे पता चलेगा कौन सा अमाइड, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर मेंशन है कि बॉन्ड है वो फिनाइल का, वो किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ, साइट्रिन की तरह कर रहा है, तो एन फिनाइल, टोटल कितने कार्बन है, 2, 2 कार्बन के लिए इट सिंगल बॉन्ड है सारे, एन और ग्रुप कौन सा है हमारा एमाइड, तो 1 एमाइड या खाली एमाइड भी लिख सकते हैं, क्लियर है चीज, ठीक। इसी तरह हम लिख सकते हैं OOCH3 OH ग्रुप, राइट, साइड चेन की तरफ कर रहा है, तो फिनाइल कितने कार्बन है, 2 के लिए इट सिंगल बॉन्ड है, तो एन और ग्रुप कौन सा है हमारा, OH, तो OH, क्लियर है चीज, आगे समझ में। लिख लिया, रूल 5 की बात करते हैं,
लिया है। SO3H का नाम क्या है? SO3H। सल्फर दिखा तो थायो शुरू हो गया, मतलब एक चीज बताओ उसी से दूसरी चीज बन जाती है। पॉलीफंक्शनल सीरीज में लिखवाया था मैंने इसका नाम सल्फोनिक एसिड। राइट, COOH के लिए क्या यूज करते हैं? वैसे तो ओइक एसिड यूज करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और अगर दो हो, दो के लिए हम यूज करते हैं वर्ड डाई, तो नेम विल बी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, इसी तरह OH के लिए क्या यूज होता है? नॉर्मल। और अगर दो OH हो तो डायोल, तीन OH हो तो ट्राई ऑल। राइट, इसी तरह अगर हमारे पास है NH2, NH2 के लिए क्या यूज होता है? सिंपली एमीन, वही यूज करेंगे हम। इसी तरह एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमारे लिए, N2Cl, या फिर इसको अगर हम खोल के बनाए तो इट विल बी जैसे हम ऑर्गेनिक में सल्फर के लिए वर्ड यूज करते हैं थायो, इसी तरह नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज होता है एजो। क्या वर्ड यूज होगा? एजो। जैसे सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज होता है, इसी तरह नाइट्रोजन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एजो। तो इसका नाम होगा दो के लिए डाई, नाइट्रोजन की दो की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के लिए एजो। और यहाँ पर इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जिस पर प्लस चार्ज होता है, हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ज्यादातर पॉजिटिव लिगेंड नहीं है। और मैंने एक दो पेज छुड़वाया भी था, वो मैं करा दूंगी फिर भी। जैसे हमने लिगेंड्स में याद किया था कि जो नेगेटिव है सब में ओ की साउंड आ रही है लास्ट में, इसी तरह जो पॉजिटिव होते हैं उनके बीच साउंड आती है लास्ट में EM की, IUM। तो वही चीज यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर होता है डाई एजोनियम, और इसके लिए सीएल के लिए क्लोराइड, क्योंकि जब सीएल पर नेगेटिव चार्ज होता है हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। क्लियर है चीज? तो नेम विल बी डाई एजोनियम क्लोराइड। जब ये सब इस पर अटैच्ड हो, बेंजीन पर, तो नेम सिंपल लिखना है बेंजीन, जो भी नाम है आपका। जैसे अगर हम इसी की बात करें, अगर मैं इसे बेंजीन पर लगा दूं, तो नेम विल बी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये जो कंपाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे, मतलब लगा ही लो, श्योरली आएगा ही आएगा। राइट, जिसको ये नहीं पता होगा, नाम नहीं पता होगा, वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो नेम विल बी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब ये दो OH लगने का क्या मतलब है ये भी देख लो, ये मत समझना कि ये रहा बेंजीन और इस पे दोनों OH लग गए हो। इसका मतलब क्या है? एक OH यहाँ हो, मान लो एक OH यहाँ हो, ठीक, तो बेंजीन एक को फर्स्ट मान ले तो 1 2 3 बेंजीन, 1 3 डाई। क्लियर है? इसी तरह तीसरा लग जाएगा, उसकी पोजीशन मेंशन करो, इट विल बी ट्राई और। क्लियर है? लिख लिया? किसी को इसमें से कुछ पूछना है? हम्म,
है किसी को कुछ, जितने भी रूल्स हुए ऐसे पूछना कुछ नहीं है, खुद ही रटना है आप लोगों को, राइट? अब हमने कोई साइक्लो कंपाउंड वाला एग्जांपल नहीं किया कि जिसमें वर्ड साइक्लो यूज हो, राइट? हमने नोमेनक्लेचर में तो देखा था कि साइक्लो हो तो जैसे कोई कंपाउंड इस तरह, सिंपली क्या करो नंबरिंग डालो, कहीं से शुरू कर लो सारे कॉर्नर से, कि जैसे 1 2 3 4, कोई साइड चेन लगी है? नहीं लगी। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, तो वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूट और सारे बॉन्ड कैसे? सिंगल एंड। अब ई आया क्योंकि पीछे कोई फंक्शन वर्ब था ही नहीं, तो ई काटने की जरूरत हमें नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें जैसे बेन, ये इसकी अब साइड चेन आ गई, तो अगर कुछ नहीं हो लेकिन साइड चेन हो तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी साइड चेन की कार्बन को देंगे, तो नंबरिंग विल बी 1 2 3 4 5 6 साइड चेन है। क्या नाम होगा? मिथाइल 1 मिथाइल। साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए। और ध्यान देना कि साइक्लो हेक्सेन है, क्योंकि जब ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं हम तो ध्यान देते ही नहीं है कि बीच में सर्कल लगा है नहीं लगा, पर फिर सारे बेंजीन लिखते हैं। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंस होता है, ठीक? बेंजीन में डबल बॉन्ड आ जाते हैं, इसमें सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। क्लियर है चीज? तो ये हो गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर यहीं पर क्या लगा दूं मैं CH3 की जगह, OH लगा दूं, so what will be the name now? अब भाई वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ही है, अकेला ग्रुप है ना, अकेला ही है ना, अब कोई दूसरा नहीं है, तो जो भी है वही है, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ही काउंट होगा। तो हम इसके लिए अब हाइड्रोक्सी यूज नहीं करेंगे। अब इसका नाम होगा साइक्लो हेक्स एन वन ऑल।